हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस के एक बैकपैक को। तो थोड़े दिन पहले टीवीएस वाले ने एक बैकपैक लॉन्च किया था जो कि बाइक राइडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो मेरे को एक बैकपैक चाहिए भी था जो स्पेशली बाइक राइडिंग के लिए बनाया गया हो, क्योंकि इससे पहले मैं जो वाइल्ड क्राफ्ट या फिर जो अमेरिकन टूरिस्टर बैकपैक यूज़ कर रहा था वो इतने अच्छे नहीं थे बाइक राइडिंग के लिए। तो मेरे को एक डेडिकेटेड बैकपैक चाहिए था जो बाइक राइडिंग के लिए हो, तो इसलिए मैंने ये बैकपैक ऑर्डर किया था और अभी आया है। तो हम इसको रिव्यू करते हैं और अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि क्या ये मतलब अपने प्राइस को वर्थ करता है या नहीं। तो वेबसाइट पे इसका जो प्राइस था वो कुछ 2999 था, तो उस टाइम कुछ ऑफर चल रहा था तो मेरे को ये पड़ा था 2699 का। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को 2699 कुछ का पड़ा था ये बैग। ठीक है, तो हम इसको जो बॉक्स है इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये बैग कैसा है और क्या ये अपने प्राइस को वर्थ करता है या नहीं। तो इस टाइप के बॉक्स में आता है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है जैसे आप देख सकते हैं। इसमें से हम अपना बैग पैक निकाल लेते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो हम एक बार अपना जो कार्डबोर्ड है उसको साइड में रख देते हैं। तो इस टाइप का जो फर्स्ट लुक है ये है इसका बैग पैक का। ठीक है, जैसे बैग निकाल लेते हैं तो ये है बैकपैक का फर्स्ट लुक जैसे आप देख सकते हैं। देखने में काफ़ी स्टाइलिश है और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, और अगर आप इस बैग को अपने राइडिंग गियर के साथ कैरी करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे राइनोक्स जैकेट के साथ कैरी कर रहा हूँ, तो मतलब देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम इसकी बात करते हैं कि मतलब इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। तो जो टीवीएस ने जो इसमें यूज़ किया फैब्रिक जो यूज़ किया, जो इसके ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में फैब्रिक यूज़ किया गया है वो है 900D PU। और उसके ऊपर जो फैब्रिक के ऊपर है ना एक ईवा फॉर्म मतलब एक ईवा की लेयर चढ़ी हुई है, जिससे कि ना मतलब काफ़ी ना ऐसा लगता है जैसे इसकी फैब्रिक के ऊपर थोड़ा रबड़ चढ़ा हुआ है, जिससे कि ना कुछ हद तक ये बैकपैक स्टैंड अलोन में भी मतलब वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट बन जाता है। ठीक है, बाकी हालांकि इसमें मतलब अलग से रेन कवर दिया गया है, पर स्टैंड अलोन में भी ये बैग जो है काफ़ी हद तक मतलब आपका वाटर रेजिस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हमसे बात करते हैं इसके जो जिपर्स वगैरह हैं, उसका जो अंदर का कंपार्टमेंट्स वगैरह कैसे दिए हैं। तो सबसे पहले कि आपको ना ऊपर ये एक चैन मिल जाती है, उसको हम खोल के देख लेते हैं इसमें कैसी स्पेस दी गई है। तो यहाँ पे आप अपने मतलब मोस्टली गैजेट्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस दी है, मतलब दो पॉकेट दी है, और नीचे अगर आप कुछ कैरी कर रहे हैं तो वो रख सकते हैं। यहाँ पे दो पॉकेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक इस टाइप से पॉकेट है, इसमें चेन नहीं है, इन दोनों पॉकेट्स में चेन है। ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें भी यहाँ पे एक नेट टाइप का दिया गया है, जिससे मैं आप अपना कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे एक हुक दिया गया है कि अगर आप कुछ चीज़ मतलब इस पर अटैच करके मतलब टांगना चाहो तो। ठीक है, ये इसका मेन कंपार्टमेंट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना लैपटॉप भी रख सकते हो आप अपना। और यहाँ पे ना इसमें एक और खास बात है कि ना इसमें आप अपना हाइड्रा पैक भी रख सकते हो। ये वह किस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ना हाइड्रा पैक को सपोर्ट करता है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। तो यहाँ पे आप जैसे अपना हाइड्रा पैक और मतलब लैपटॉप दोनों साथ रख सकते हो, या फिर आप अपना हाइड्रा पैक यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब जिसका फैब्रिक है वो मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब लगता है कि रेजिस्टेंट होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मतलब फील करने से लगता है कि हम लोग काफ़ी अच्छा फैब्रिक यूज़ किया है। और मतलब जो इसका ऊपर जो एक लेयरिंग की गई है ईवा की, वो मतलब टच करने पे काफ़ी अच्छी लगती है जैसे। और जैसे आप देख सकते हो मतलब इसको मैं खींच के देख रहा हूँ, मतलब रबड़ ऐसा उतर नहीं रही है, तो मतलब काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ठीक है, अब इसे बात करते हैं फीचर्स की, तो हो गया मतलब इसका जो लुक्स और फैब्रिक की बात, अब इसे बात करते हैं इसके जो फीचर्स की। ठीक है, तो जो मेरा मेन रीज़न इस बैग को मंगाने का था वो था कि ये ना हाइड्रा पैक को सपोर्ट करता है। वो कैसे कि है ना, अगर आप हाइड्रा पैक यहाँ पे यूज़ करते हो तो जो इसका पाइप होता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ना इस टाइप से स्पेस दी गई है कि ना मतलब आप अपना जो हाइड्रा पैक का जो पैक है पाइप है वो निकाल सकते हो यहाँ से। आप दोनों साइड में ऐसा कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे से भी आप अपना कर सकते हो। और दूसरी बात कि ना आप अगर जो हाइड्रा पैक का जो सिपर होता है, जो वॉल्व होता है, उसको आप मतलब कंट्रोल में और प्लेस में रखने के लिए ना इस पर एक इस टाइप से दिया होता है कि मतलब आप अपने पाइप पे अटैच कर सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ पे ना मैग्नेटिक पैड्स दिए गए हैं कि यहाँ पे ना आपका जो वॉल्व है हाइड्रा पैक का वो यहाँ पे आप अपना इजिली मतलब सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता हो कि आपका जो पाइप है वो कहाँ पे है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे फोर वे हार्नेस मिलता है, जिससे कि आप मतलब अड्डी अटैच भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं डिटैच भी कर सकते हो, और आप इसको स्टैंड अलोन मतलब एक बैग की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हैंडल दिया गया है कि मतलब अगर आप चाहो तो और पूरा मतलब हार्नेस हटा के इसको स्टैंड अलोन एक बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी खासी मतलब पैडिंग दी गई है, मतलब पैडिंग काफ़ी अच्छा काम। ठीक है, और जो इसमें ना SBS के जो जिपर्स हैं
वो यूज़ किए गए हैं। जैसे मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ कि इसके जिपर्स की क्वालिटी कैसी है। तो जैसे आप देख सकते हैं जो इसमें जिपर्स यूज़ किए ना वो भी काफ़ी हद तक वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि मतलब जो बंद कर देते हैं हम इनको तो मतलब पूरी तरह सील हो जाते हैं, जिससे कि जो पानी अंदर ना जाए और मतलब अगर आप मतलब एकदम बारिश वगैरह आ जाती है तो जो आपका अंदर जो सामान रखा है वो ख़राब ना हो। तो मतलब इसमें SBS कंपनी के जो है जिपर्स यूज़ किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं मतलब। और मतलब इन्होंने ना यहाँ पे इस टाइप से मतलब रोप भी दिया है, जिससे कि मतलब आप जिनको ग्लव्स पहन के भी यूज़ कर सकते हो जिपर्स को, सभी जिपर्स के साथ ऐसा ही है ठीक। और मतलब यहाँ पे पीछे से इस टाइप से एक पैड दिया हुआ है जो कि मतलब पूरे बैग को आगे की तरफ कस के रखता है, मतलब जो ना यहाँ पे आपके जो आर्म वेस्ट के पास जो एरिया आता है वहाँ पे मतलब पूरा कस लेता है बैग को ईजी अच्छी तरह। और आपने इस बैग को अपने ना वेस्ट से भी सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से हार्नेस दिया गया है जो कि मतलब अगर आप बाइक राइडिंग करते हुए, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि जो बैग होता है वो ना इधर उधर स्लाइड होता है। जैसे कि अगर हम हाई स्पीड में बाइक वगैरह रन करते हैं तो मतलब जो बैग पैक होते हैं वो मोस्टली बैग जो होते हैं वो इधर उधर स्लाइड करते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसमें इस टाइप का हार्नेस दिया हुआ है कि मतलब सिक्योर हो जाए अच्छी तरह और मतलब इधर उधर मूव ना करे ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मतलब इन्होंने रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप दिया है ठीक है, यहाँ पे एक रेड और वाइट का एक्सेंट मिलता है। और जो नीचे यहाँ पे इन्होंने फैब्रिक यूज़ किया गया है ये ऊपर फैब्रिक से थोड़ा अलग है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा फैब्रिक है, जिससे कि मतलब होता क्या है कि बाइक राइडिंग करते वक्त ना ये वाला जो हिस्सा होता है सीट से लग लग के या फिर मतलब नीचे रख रख के ना गिर जाता है, तो यहाँ पे ना थोड़ा और मोटा फैब्रिक यूज़ किया गया है। और यहाँ पे थोड़ी पैडिंग भी दी गई है जिससे अगर आप अपना लैपटॉप वगैरह नीचे रखते हैं तो एकदम से ज़मीन पर टच ना हो हार्डली ठीक है। और जिसमें जो रेन कवर है वो यहाँ पे दिया गया है, इसका ना जो मेरे को रेन कवर है वो भी काफ़ी अच्छा लगा था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका रेन कवर है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ठीक है। और इसका जो रेन कवर है वो मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब बड़ा है ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मतलब पूरा बैग ईजिली कवर कर लेता है। और इसका जो रेन बैग में एक अच्छी बात लगी कि यहाँ पर ना आपको इस टाइप से ना स्ट्रैप्स मिलते हैं हर तरफ, जो कि ना आप मतलब अगर आप प्रॉपरली मतलब इस बैग को चढ़ाओगे तो मतलब आपने इन दोनों को सिक्योर कर सकते हो। जैसे कि बाइक राइडिंग करते वक्त होता क्या है कि जो आपका रेन कवर होता है ना वो हवा की वजह से ना उड़ने लग जाता है, जिससे कि मतलब बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। पर यहाँ पे TVS वालों ने क्या किया कि ना दो स्ट्रैप्स ऐसे दिए हैं कि ना मतलब आप बैग के पीछे हारने से पीछे से इसको ले जाते हुए ना यहाँ पे इसको सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि ना आपका जो रेन कवर है वो हिले ना। नीचे भी दिया हुआ है ऐसे ही ठीक है, यहाँ पे भी है, तो मतलब आप इसको पूरा क्रिसक्रॉस करके पूरा अपना सिक्योर कर सकते हो अच्छी तरह, जिससे कि आपको जो राइडिंग कवर रेन कवर है वो कहीं हिले ना और मतलब हाई स्पीड्स में भी आपका इजीली वहाँ पे आपको बैग को सिक्योर करता है रेंज में। तो इसमें ना आपको ओवरऑल 15 लीटर्स का जो है स्पेस मिलता है, बट इसमें ना आप मैंने डाल के देखा था पहले तो इसमें ना आप इजीली लैपटॉप कैरी कर सकते हो, थोड़े बहुत टूल्स मैंने कैरी करके देखे थे। और इसके साथ साथ है ना मतलब जो अगर आप विंटर लाइनर या फिर अगर आप रेन लाइनर अलग से अपनी बॉडी के लिए अगर आप कैरी करते हो तो वो आप इजीली कैरी कर सकते हो उसमें, मतलब जीन्स और एक टी शर्ट वगैरह सब इजीली आ जाता है इसमें, मतलब इतनी स्पेस तो है इसमें, जैसे आप देख सकते हो स्पेस इतनी कम नहीं है, बट ये कि ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि वो जो बड़े बैग होते हैं वो राइडिंग के वक्त दिक्कत क्रिएट करते हैं, तो इसलिए स्पेशली मतलब बाइक राइडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है ठीक है। तो मतलब मेरे को ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा बैग, क्योंकि इसका जो प्राइस है 2699 जितने में मेरे को पड़ा है अभी, तो मतलब ये वेबसाइट पे इसकी जो 2999 का मिल रहा है बट मेरे को 2699 रुपये का पड़ा, तो उस हिसाब से मतलब वर्थ करता है क्योंकि इसका जो फैब्रिक जो यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तो मतलब आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसकी क्वालिटी है ठीक है। तो यार अगर किसी के साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।